फाइनली गाइज आप लोग का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग जो अपने लैपटॉप का डिस्प्ले का जो स्लीप टाइम है आप लोग उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। कई बार आप लोग का लैपटॉप का जो स्लीप टाइम होता है वो बहुत ही कम टाइम रहता है और आप लोग जो उसको अगर आप लोग उतना देर यूज नहीं करते तो आपका जो लैपटॉप वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग जो स्लीप टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं उसका जो मैं आप लोग को पूरा फुल डिटेल यहाँ पर मैं जो है आप लोग को बताऊंगा। तो आपको जो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना जिससे जो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेकिन को दबाना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो लैपटॉप के स्लीप टाइम को आप लोगों को घटाना या बढ़ाना है तो उसके लिए जो आपको यहाँ पर आ जाना है अपने कंट्रोल पैनल पे। अगर आप लोगों को कंट्रोल पैनल यहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप पर नहीं दिया गया हो तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं जो यहाँ पर अपना सर्च कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल पैनल सर्च कर लेना है। आप लोग जैसे कंट्रोल पैनल सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो इसको कर लेना है ऑफ। तो चलिए मैं जो इसको कर लेता हूँ ओपन। आप लोग जैसे कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को हार्डवेयर एंड साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप लोग जैसे हार्डवेयर एंड साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ यहाँ पर पांच ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आप लोगों को किसी पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को पावर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आपको जो है पावर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आप लोग को कर देना है क्लिक। आप लोग जैसे ही पावर ऑप्शन वाले पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा चेंज प्लान सेटिंग। आप लोग जैसे ही चेंज प्लान सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे टर्न ऑफ द डिस्प्ले और दूसरा ऑप्शन आप लोगों को पुट द कंप्यूटर टू स्लीप आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को अगर स्लीप मोड में आपका जल्दी चला जाता है तो यहाँ पर जो आप लोगों को टर्न ऑफ द डिस्प्ले पर कर देना है क्लिक। आप लोग जैसे टर्न ऑफ डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को कई सारे टाइम देखने को मिल रहे होंगे एक मिनट दो मिनट दस मिनट यहाँ पर देख सकते हैं पांच घंटा नेवर भी आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों को अगर टाइम सेट करना है तो यहाँ पर जो आप लोगों को अपने अनुसार जो आप लोग यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टाइम को हटाना है तो यहाँ पर आप लोग नेवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर आप लोगों को सेव चेंजेस पे कर देना है क्लिक। मैं जो यहाँ पर अपना टाइम जो अपना 5 मिनट टाइम रख लेता हूँ उसके बाद जो यहाँ पर जैसे ही आप लोग जैसे ही फाइव मिनट टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग को सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। आप लोग जैसे ही सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होगा वैसे ही जो है हमारा लैपटॉप जो स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर आप लोगों को घटाना या बढ़ाना हो तो आप लोग जो उसी प्रकार से आप लोग अपना स्लीप टाइम घटा बढ़ा सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग जो अपना लैपटॉप का स्लीप टाइम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद जय भारत।